कोरोना का असर कहर आपसे हमसे किसी से भी छुपा नहीं है। स्कूल बंद कर दिए, पढ़ाई को ऑफलाइन से ऑनलाइन में तब्दील कर दिया, हम मोबाइल से दूर रहते थे, मोबाइल से दूर रखा जाता था, लेकिन मोबाइल ही हमारे स्टडी, पढ़ाई, टीचिंग का एक जरिया बना दिया। ये कोरोना का कहर कह सकते हैं इसे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ गायब हो गई, लाइक पढ़ाई करते करते वो दिन आता था जब हम सारे बच्चे बस में जाते थे, इंजॉय करते थे, हमें खाने पीने को चीज़ें मिलती थी, इसे कहते हैं पिकनिक। तो स्कूल जो है एक लोकल टूर पे जाता था, घूमते थे हम, वो दिन बड़ा मस्ती का दिन होता था। बसेस में अंताक्षरी होती थी, गाने, एंजॉय, घूमना फिरना, फोटो, तो वो दिन पूरा गायब कर दिया कोरोना ने। साथ ही स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता था स्कूलों में, हम अपने जो हमारे अंदर स्पोर्ट्स था, मतलब हमें खेलना है, दौड़ना है, ये करना है, सारा गायब कर दिया। पूरे 2 साल से स्कूलों में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। इसी के चलते भाई 15 अगस्त मनाते थे, 26 जनवरी मनाते थे, छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे, सारे गायब कर दिए। और कुछ ऐसे भी दिन होते थे जो कि पूरे साल का एक अलग ही उनका दिन होता था, लाइक उसे हम कहते हैं एनुअल डे, यानी कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव। पूरे साल का हिसाब किताब उसी दिन होता था, लाइक हमने कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, हमें कौन कौन से प्राइज मिलेंगे, किन किन बच्चों ने टॉप किया, वो सच के सवर के कि हम जाते थे, फंक्शन होता था, पूरा मज़ा आ जाता था। और इसके बाद जो एंड मोमेंट में लास्ट टाइम एक दिन हम सेलिब्रेट करते थे, उसे कहते हैं फेयरवेल। ये बड़ी क्लासेस का होता था, लाइक 10th या 12th का, जब वो स्कूल छोड़ करके बच्चे जाते थे। तो ये सारा का सारा कोरोना ने ऐसे कर दिया जैसे बंटाधार। नहीं स्पोर्ट्स डे मनाया गया, नहीं रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे मनाया, ना ही पिकनिक गए, ना ही कोई एनुअल डे या फेयरवेल मनाया गया। लेकिन अब हमारे मन में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस साल हम पिकनिक जाएंगे, क्या इस साल हमारा स्पोर्ट्स डे होगा, क्या इस साल हम एनुअल डे मनाएंगे, फेयरवेल मनाएंगे, तो क्या क्या इस साल होने वाला। क्योंकि पिछले साल तो एग्ज़ाम तक गायब हो गया, तो बाकी चीज़ें क्या चीज़ है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी है उसको देख करके और जो एक हालात हैं उनको देख करके हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पटरी पर आ रहे हैं, यानी कि स्कूलों में ही एग्ज़ाम हो रहे, CBSE के जो एग्ज़ाम थे वो भी प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, साथ ही जो बच्चों के लिए स्कूल है वो भी खोल दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि भाई बड़ी क्लासेस के लिए, पहली क्लासेस से भी सारे मतलब क्लासेस ओपन हो चुकी हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अभी यही हाल है। तो इस माहौल को देख करके हम ये कह सकते हैं कि इस साल जो पिकनिक है, जो पिकनिक जाना होता था वो इसी अक्टूबर नवंबर में जाते थे और दिसंबर में तो हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो पिकनिक वाला तो हम ये कह सकते हैं कि उसका दौर चला गया। लेकिन ये पिकनिक आप जनवरी में भी हो सकता है, मे बी पिकनिक और स्पोर्ट्स डे जनवरी में सेलिब्रेट होंगे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ पिकनिक और स्पोर्ट्स डे स्किप भी हो सकता है। तो इसके बाद हम जो बड़े फंक्शन की बात करें तो इस साल एनुअल डे सेलिब्रेट होगा, जहाँ 95% एनुअल डे के चांसेस। साथ ही साल जो है ना फेयरवेल का भी आनंद बच्चे ले पाएंगे, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। और जितना भी पैसा गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करती थी वो सारा का सारा एक तरह से सेफ है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट साल बच्चों पे पैसा लगाएगी, क्योंकि बच्चों के जो चेहरे हैं ना वो खिलखिला जाते हैं, वो मज़ा आ जाता है, आनंदित हो जाते हैं बच्चे इन डेज को सेलिब्रेट करने में। और जो हमारी जो सरकार है वो बच्चों की खुशी
बच्चों के चेहरे पे खुशी को देखना चाहती है, पसंद करती है, तो पूरी संभावना है कि हमारे एनुअल डे और जो हमारा फेयरवेल है, ये दोनों फंक्शन तो स्कूलों में 95% होंगे। बाकी स्पोर्ट्स डे और पिकनिक, ये हमारा 60% हम पॉसिबिलिटी है कि ये होंगे जनवरी में, बट इनका कोई श्योरिटी नहीं है। तो चलिए, आप कौन से डे में ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं? आप पिकनिक में ज़्यादा एंजॉय करते हैं, या आप एनुअल डे में ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आप फेयरवेल में ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, या आप स्पोर्ट्स डे को अच्छे से मनाते हैं? तो मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा सेलिब्रेशन लगता है। और चलिए देखते, कुछ और डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नई नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करता हूं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि सारी नई नई अपडेट मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूं। जय हिंद।